हाँ जी, तो आपके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, यानी जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उससे चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन बेस्ड है गुडविल कैलकुलेशन पर, यानी कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी सुपर प्रॉफिट्स के केस में। तो क्वेश्चन को एक बार गिवन पार्ट रीड कर लेते हैं, वैसे मैंने लिखा है गिवन पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कहता है द कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। तो मैंने लिखा है कैपिटल अनुज और बीनू की कंबाइंड कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की मिलाकर कैपिटल कितनी है, ₹10 लाख है। उसके बाद कहता है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी ये मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बाजार के अंदर वो कितना है, 15% है, ठीक है। इसके बाद कहता है एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। सालाना पार्टनर्स को ₹60,000 ईच हमें सैलरी देनी चाहिए, ये बात भी मैंने आपके लिए यहां लिख दी है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हुआ, हमें पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स भी बताए हैं। पहले ईयर का 2,80,000, फिर 3,80,000, एंड द लास्ट वन इज 4,20,000, ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल कैसे निकलेगी जी, इन्होंने ये भी बताया आपको, गुडविल निकलेगी 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम डिटेल में करेंगे, वन बाय वन इसे समझ लेते हैं। देखिए जी, एक मिनट मुझे दीजिए बस। हाँ, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें चाहिए जी गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल का कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन में हमने। अब गुडविल का कैलकुलेशन करना है, देन वी से गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज सुपर प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स ऑफ परचेज, यानी सिंपली कहें तो मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए, तो मुझे एवरेज सुपर प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए जी, एवरेज सुपर प्रॉफिट चाहिए जो मेरे पास है नहीं, ठीक है। मेरे पास तो क्या है, मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो मैं क्या करूं। देखिए, आपको पता है अगर सुपर प्रॉफिट्स की बात करें तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट निकलते हैं हमारे, मैं लिख देता हूं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी, आप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल एवरेज भी बोल सकते हो, एवरेज कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल की एवरेज की, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट से लिखा मैंने, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, तब जाके सुपर प्रॉफिट निकलेंगे। और जब हम एक्चुअल प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स की बात करेंगे कि जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ऐसे प्रॉफिट्स हमें चाहिए। तो यहां एक हिंट दिया है क्वेश्चन ने कि एनुअल सैलरी ₹60,000 है हर पार्टनर की, तो आप क्या करेंगे जब सही प्रॉफिट्स निकाल रहे होंगे वहां पे एक्चुअल प्रॉफिट्स में, इन प्रॉफिट्स में हर साल के प्रॉफिट में ₹1,20,000, 160,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि दो पार्टनर हैं, 1,20,000 हर ईयर के प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा, या फाइनल एवरेज में से भी माइनस कर सकते थे इकट्ठा 1,20,000। तो तरीका दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा तरीका करा देता हूं ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए। देखिए जी, तो सुपर प्रॉफिट की बात आ गई, आइए यहां पर हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मैं सीधा एवरेज सुपर प्रॉफिट्स की बात कर लेता हूं, और एवरेज सुपर प्रॉफिट्स को निकालने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देखिए मेरे साथ ध्यान से। आप लोग यहां लिखिए ईयर, यानी ईयर 1 है, 2 है और 3, 3 साल है हमारे पास। यहां पर लिखिए प्रॉफिट्स को, यहां करेंगे हम लोग प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ठीक है, प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट्स आप कह सकते हैं,
एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएंगे एडजस्टमेंट करने के बाद। एडजस्टेड प्रॉफिट्स में से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट जो, उसमें से अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे तो उनका एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है, एवरेज भी निकाल लेंगे। पहले तो सुपर प्रॉफिट्स की बात करते हैं। एवरेज मैंने लिखा है, एवरेज को मैं बाद में कराऊंगा नीचे। सुनिए जी, हमारे पास अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स ये है 280 280 420। आइए लिखें इसे। ये मैंने प्रॉफिट लिखे। एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है सैलरी का, क्योंकि देखो गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। तो फ्यूचर में उसने कहा पार्टनर्स को हम सैलरीज भी देंगे, तो सैलरी के बाद तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना हमारा। तो सैलरी जो देंगे वो हर साल माइनस होगी 1,20,000, दूसरे ईयर भी 1,20,000, थर्ड ईयर में भी 1,20,000। आइए अब जरा माइनस करने के बाद देखिए हमारे पास कितने प्रॉफिट बचेंगे। 280 में से 1,20,000 गए तो 1,60,000 बच गए, आई बिलीव, है ना, 1,60,000। यहां 380 में से 1,00,000 गए तो 280 और 20,000 गए तो 2,60,000, यानी 2,60,000 आ गया हमारे पास। और तीसरे ईयर में देखें तो 1,00,000 सीधे गया तो 3,20,000 यानी 3,00,000 बच गया। आई बिलीव कैलकुलेशन सही है, मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बता देना एक बार, ठीक है। चलिए अब हमने क्या निकाल लिए जी, एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लिए, एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लिए। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करने हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करने के लिए तो सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट हमारे निकलेंगे जी, मैं एक वर्किंग नोट बनाना है मुझे, मैं कहां पर बनाऊं, यहां बना दूं, मैं बनाने के बाद हटाना पड़ेगा मुझे। एक काम करते हैं हम लोग, ये डेटा तो ले ही लिया हमने, मैं इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ, यहाँ इसे इरेज कर दें, यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ स्पेस है थोड़ा सा, ये काम की भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया है सारी चीजें, ठीक है। लिखने को तो हमने ये भी लिख लिया है और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। ये लीजिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे मतलब नॉर्मल प्रॉफिट यानी आम तौर पर इन जनरल लोग कितना कमाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा है आपको, क्वेश्चन में अभी गिवन पार्ट लिखा था यहां पर, कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर आप कह लीजिए मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। तो मार्केट में 15% लोग कमाते, 15% 100 रुपए लगाकर 15 रुपए कमाते हैं। तो हमने जितनी कैपिटल लगाई है उतनी कैपिटल लगाकर कितना कमा रहे होंगे लोग? आइए देखें, नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे केस में क्या हो गया, इनटू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% था आई बिलीव, तो वो 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहां पर लिख लें तीनों ईयर के लिए, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है। अब एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। आइए सुपर प्रॉफिट निकाल लें, 160 में से 1,50,000 गया, कितना बच गया, 10,000, ठीक है। 2,60,000 में से 1,50,000 गया, कितना बचा, 1,10,000। इसके बाद 3,00,000 में से 1,50,000 गया तो कितना बचा, 1,50,000 बचा। चलिए या मैं एक काम करता हूं, मैं इसे एवरेज नहीं लिखता, मैं अगला वर्किंग नोट ही बना दूंगा एवरेज के लिए, मेरे पास यहां स्पेस आ गया, ठीक है। आइए अगला वर्किंग नोट नंबर, यानी वर्किंग नोट नंबर 3,
कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे जी? एवरेज प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट्स अवेलेबल है, एवरेज हमें निकालना आता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हमारे पास कह लो सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द थ्री इयर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स दैट इज थ्री। तो तीन साल के प्रॉफिट को जोड़ो और तीन से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 प्लस में 1,10,000 प्लस में 1,50,000। ये पिछले तीन सालों के प्रॉफिट को हमने सुपर प्रॉफिट्स हैं ये, ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स हैं ये रहे तीनों, ठीक है, मैंने यहां कैलकुलेट किए थे, इन्हें तीन से डिवाइड करो। अब जरा एक बार टोटल बताओ इनका कितना आएगा? ये टोटल आ जाएगा जी 1,00,000, 2,00,000, 2,60,000, 2,70,000, 2,70,000 आ रहा है मेरा। आप भी एक बार चेक कर लो। अब 2,70,000 को अगर 3 से करें तो ये 90, यानी कि 90,000। तो जी आपका सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000 रुपीज आ गया, ठीक है। रुपीज ही है सभी हम निकाल रहे हैं, मैंने कई जगह लिखा नहीं है, जैसे यहाँ रुपीज में लिखा है, सभी रुपीज में अमाउंट है। चलिए अब हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ये आ गया एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री इयर्स आ गया, कितना आ गया 90,000। टू से मल्टीप्लाई तो करना है और कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आइए हम निकाल लेते हैं इसको। मैं यहाँ ये जो छोटी सी लाइन मैंने लिखी है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं इसे मैं हटा देता हूं। आइए जी, तो हम कहेंगे जी गुडविल हमारी है ये 90,000 मल्टीप्लाइड बाय टू, यानी कि रुपीज 1,80,000। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर में तो हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए